कहा है आप जो है कोर्ट का रूल्स यू नो वॉयलेट कर रहे हो ऐसा मीडिया ट्रायल कर कर. क्या सॉरी टू से क्या अक्यूज्ड को आफ्टर बेल मीडिया ट्रायल अलाउड नहीं. सिर्फ डिपेंडेंट का मन चाहे वो कितना भी मीडिया ट्रायल कर सकता है. जब आदिल कस्टडी में था आप लोगों ने देखा होगा मैं सिवाय कोर्ट प्रोसेस के बाहर जो रिलेवेंट आप लोगों के सवालों के जवाब होते थे केस से रिलेटेड वही देखा. मैं कभी भी फाल्गुनी जी मेरी जो दोस्त भी है कली है मैं उनके बारे में ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा. लेकिन उस समय फाल्गुनी जी बराबर बाहर बैठ के रेस्टोरेंट में राखी जी के साथ बैठ के आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू पर इंटरव्यू किए जा रहे थे. तो मुझे सेम सवाल वही उनके बारे में पूछना है. दूसरी बात मेरा क्लाइंट जब बाहर आया छः महीने तक राखी जी ने बोला छः महीने तक उसने क्यों कुछ नहीं बोला छः महीने तक क्यों नहीं बोला. अरे भाई आपको पता होना चाहिए जो बंदा कस्टडी में है वो कैसे बोलेगा. जेल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा. नहीं उनका बोलने का मतलब है आपको रखना ही नहीं चाहिए. क्यों नहीं रखना चाहिए. नहीं नहीं बात मीडिया ट्रायल की नहीं है. बात यह है कि हमको जो चीजें रखनी राशि जी पहली बार देख रहे क्या तुम लोग. आपके पास कैसे आया अरे बाबू भाई मोबाइल रखो यार तुम्हारे आवाज स्ट्रेच कर रहा है बिल्कुल नहीं. मैं इतनी ईमानदार लड़की हूँ जो खुद से ये पासपोर्ट बाहर निकाल के सबको दिखाया है और आपको देने के लिए भी आई. थैंक यू. क्योंकि हम पुलिस स्टेशन घूम रहे हैं एक्चुअली तीन दिन से. नहीं नहीं भाई आपका क्या मतलब मोटिव है. आदिल ने आपको अप्रोच किया था या आप सामने से एंड सेम थिंग फॉर शर्ली डॉन. आदिल कम टू यू और यू वेंट टू आदिल एंड लेंड योर सपोर्ट. लेट्स टॉक द मेन पॉइंट. मैं कल दुबई से यहां पर पहुंची मुंबई में और एयरपोर्ट पर कुछ मीडिया वाले आए थे और उन्होंने पूछा कि शर्दन ये आदिल भाई का आपने ये देखा प्रेस मीट. आई सेड हाँ. कल सवेरे जब मैं अपने होटल रूम में थी दुबई में तब फट करके एक के बाद एक फॉरवर्ड्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर और मीडिया वाले मुझे आदिल भाई के प्रेस मीट के लिंक्स भेज रहे थे. तो मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ. मुझे लगा शिट मतलब एक हद होती है. आप कैसे लगातार नॉन स्टॉप हाँ अपराध पे अपराध किए जा रहे हो क्यों. कभी आदिल भाई कभी कोई और कभी मेरे खिलाफ कभी राशि के खिलाफ. मतलब आपके दिल में कानून का कोई डर नहीं है संविधान की ये कोई मर्यादा नहीं है. तो मैंने आदिल भाई को मैसेज भेजा. मैंने बोला भाई मैं दुबई में हूँ मुंबई पहुंचते ही आपसे बात करूंगी आपसे मिलना चाहूंगी और भाई मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं आपके शहर गई थी उस लड़की के साथ
उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने, और मैं लानत लानत भेजती हूँ उस दिन को। अच्छा मेरे दो सवाल है आपसे, क्या राखी ने जबरदस्ती पासपोर्ट छीना था? नहीं, क्योंकि जब मैं अरेस्ट हुआ था कोशिवरा पुलिस स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो घर में ही रहेंगे ना, मैं घर में था, मेरा पासपोर्ट, मेरे चेक्स वगैरह जो भी, मेरे चेक्स डॉक्यूमेंट्स, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट में लिखे, तो उनमें से हमने इंक्वायरी की है पुलिस स्टेशन में, मैंने कंप्लेंट की कोशिवरा पुलिस स्टेशन में कि मेरे ये सब चीजें मिसिंग है, अभी हाँ मैं जाके वो कंप्लेंट में मेरी ये ले वापस लूंगा कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। और रियली अब क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर मिलते हैं तो मुझे क्यों मैं झूठा आरोप लगाऊं? मैं राखी सावंत नहीं हूं कि मैं चुपचाप जाके आरोप लगाऊं। मेरे साइन चेक से राखी सावंत की गारंटी, साइन बॉन्ड ब्लैंक पेपर, बॉन्ड पेपर। मांगने के बाद दिया, बिकॉज उसको पता है लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गाड़ी गाड़ी मेरे नाम पे है, मेरे माँ बाप, मेरे बाप ने दिलाई है, राखी की गाड़ी नहीं है। गाड़ी का तो पता था ना कि एफआईआर हो जाएगी उसको। गाड़ी राखी की नहीं है, जो बोलती थी छह छह गाड़ियां मेरी है, मैं राखी आदिल की गाड़ी में घूम रही हूँ, रिक्शा हर्ट होता है मुझे, मेरी गाड़ी है वो। अच्छा आपसे सवाल है, राखी आपको कहती है कि काफी आप ग्रामीण बाल हैं, तो कभी आप इस तरफ क्या 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 मेरा पानी तो पानी भाई को पता नहीं क्या क्या बोला मेरे बारे में।
मुझे तो राष्ट्र के बारे में भी बहुत चीजें बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राष्ट्र की वजह से। ये मुझे बता दें कि ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो, जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी को, जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा, आज तुम बोल रही हो राखी की यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके अभी बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, व्हाई यू वांट टू डू इट, मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए थे इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल, मैं राशि की बातों में आके मैं बहक गई, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और